नहीं देवर कहाँ छोट गए पिता भी इनके कालू राम सरकार ने ये फैसला किया तो मेरी आईडी नहीं आ रही हमने ये फैसला किया है एक ही लग रही ये मोबाइल पीछे करो पीड़ित परिवार को मुझे दे दो हमारी बेटी को तो तेरी आ रही है ना दो बच्चे हैं नैन्सी और पीयूष छोटे छोटे हैं मासूम हैं इस परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाएगा बेटी को हम सास की सेवा में परिवार अगर चाहेगा तो स्थान देंगे मकान का नया निर्माण होगा अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत संबल योजना के अंतर्गत 4,00,000 रुपया और विजय की पत्नी हमारी बेटी को प्रदान किए जाएंगे दोनों बेटा और बेटी की शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा अभी छोटे हैं तो मैंने पूछा कि आश्रमशाला में भेजेंगे तो अभी वो तैयार नहीं है तो यहीं रहकर उनकी पढ़ाई होगी पोषण आहार भत्ता उनको अभी मिलता है लेकिन 6 महीने तक गुजारे भत्ते की व्यवस्था भी की जाएगी 5,000 रुपया महीना और जो आवश्यक सहायता है परिवार की पूरी की जाएगी मैं दृढ़ संकल्पित हूँ जो कमजोर वर्ग है समाज का उसके साथ अन्याय ना हो हम लोगों ने जितने भी अनुसूचित जनजाति के गरीब हैं उनको जो नियम विरुद्ध बिना लाइसेंस के बन चाहे ब्याज की दरों पर कर्जा दिया गया है अभी हमने विधानसभा के पिछले सत्र में ये कानून बनाया था कि ऐसे कर्जे सारे अपने आप माफ हो जाएंगे अब कोई साहूकार इनसे कर्ज वसूल नहीं कर सकेगा और अगर कोई ये कुप्रयास करेगा तो उसको अर्थदंड सहित 3 साल की सजा का प्रावधान किया है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो गरीब पैसा ले लेता है और बाद में फिर ब्याज की दर इतनी होती है कि वो कभी चुका नहीं पाता बाद में उनकी संपत्तियां ले ली जाती है उनको प्रताड़ित किया जाता है इसलिए हमने ये कानून बना दिया कि ऐसे सारे कर्जे माफ इन कर्जों की वसूली नहीं होगी और तत्काल हम सारे कलेक्टर्स को और एसपी जितने हमारे उनको निर्देश देंगे कि इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें और मैं गरीब बहनों और भाइयों से अनुसूचित जनजाति के यह आग्रह करता हूं कि जहां भी ऐसी कोई चीज हो तो तत्काल शिकायत करें ताकि हम यथोचित कार्रवाई कर सकें ऐसे गरीब अब कर्जे से मुक्त हैं इस परिवार के हम साथ खड़े हैं और जिसने ये अपराध किया उसको कड़ी सजा मिले इसमें कोई कसर नहीं छोड़े।